हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट समझा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम जब आपको दो क्वेश्चंस के बारे में जैसे एग्जांपल आपको समझाया था कि चेक वेदर दी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। सिमिलरली एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन यही कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सबको चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट वन इजी, मैं डायरेक्ट सेकंड नंबर सॉल्व कर रहा हूँ। जो मैं इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन छोड़ते जाऊँगा वो आपको करने हैं, ओके। घर पर बैठ कर सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, ओके। और कोई भी डाउट आता है अगर आपको तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड सॉल्व करेंगे। इसमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बेसिक फॉर्म आप जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और थ्री माइनस एक्स, ठीक है। मेरे पास ये है मेरा क्वेश्चन, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू के अंदर इंटू करो तो माइनस टू इंटू थ्री इजकल टू माइनस सिक्स, और माइनस माइनस प्लस, और टू इंटू एक्स टू एक्स, ओके। सिमिलरली जब मैं आर एच एस में एक साइड जीरो चाहिए होता है पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको पूरे यहाँ पर ले आऊंगा तो मेरे आर एच एस में जीरो मिल जाएगा। जब मैं इसको यहाँ पर लेके आया, माइनस सिक्स का तो प्लस सिक्स हो गया, और प्लस टू एक्स का तो माइनस टू एक्स हो गया साइड आकर। जब मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस फोर एक्स, तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर क्या, माइनस ऑफ फोर कहलाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में बी एक्स होता है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या, माइनस फोर है, ओके। प्लस सी की वैल्यू सिक्स है और ए की वैल्यू वन है, तो अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मेरे पास गिवन है 2x माइनस वन ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन। इसको चेक करना है, ओके। तो इसका मैं अंदर इंटू करूंगा तो 2x इन टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ही है, और 2x इन टू थ्री सिक्स एक्स। सिमिलरली माइनस वन इन टू एक्स माइनस एक्स, और माइनस वन इन टू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये थ्री। इस साइड भी सेम करूंगा आर एच एस में भी, x इन टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स। सिमिलरली प्लस फाइव एक्स एंड माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो मैं साइड फिर इसको जो सॉल्व करूंगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव को सॉल्व किया तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को एक साइड जीरो चाहिए तो मैं साइड टर्म्स को एल एच साइड लेके जाऊंगा। तो टू एक्स जब मैं लेकर गया इसको सॉल्व किया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस तो सेवन फोर इलेवन इलेवन एक्स और थ्री प्लस फाइव एट। तो ये क्या है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। तो देयर फॉर द गिवन अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयर फॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेवन्थ वाला देखते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको क्यूब दिया है, इसके हमको दिया हुआ है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यूब देकर कभी ये नहीं कह सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पॉसिबली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें, ओके। तो मैं एक्स प्लस टू का होल क्यूब को ए प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करूंगा तो ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब टू का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर मैंने इसको टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया था, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ओके। फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे फोर का क्यूब क्या होता है मेरे पास एट, ओके। एक्स क्यूब टू का क्यूब एट एक्स का क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर थ्री टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब मैं फाइव दोनों टर्म्स के साइड लेके जाता हूँ तो मेरी एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा लास्ट में माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट। मैं इसको साइड लेकर जाऊंगा
तो मेरे को मिलेगी एक्स क्यू प्लस का मिलेगा, माइनस का 6x2 हो जाएगा, माइनस का 14x एंड माइनस का 8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पर आई पावर क्या है? 3 है। ओके, ये पॉलिनोमियल बोलो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है, बट इसमें 3 है। तो द एव ऑफ इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें फर्स्ट किया, इसमें हमने सेकेंड किया, फिफ्थ किया और सेवन्थ किया। अब जो रिमेनिंग इसमें है वो आपको होमवर्क है, वो आपको घर पर वर्क ही करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज 1 मीटर्स में है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, मतलब कि इसके ब्रेड से 1 ज्यादा है, प्लस 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड ऑफ द प्लॉट। ठीक है, और मेरे को लेंथ का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ जो ब्रेड था वो मेरी क्या है, एक्स। ठीक है, तो मेरी इसमें लेंथ क्या बनेगी जब ब्रेड एक्स है? तो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड, मतलब कि 2x+1, लाइक दिस। लेंथ ब्रेड ऑफ द प्लॉट भी एक्स मीटर। ठीक है, लेंथ क्या बनेगी? ट्वाइस ऑफ द ब्रेड, मतलब 2x, 1 मोर देन +1 मीटर में। ओके, तो वी हैव, हमको क्या था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ x इनटू 2x+1 ये दिया हुआ है। ओके, तो मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 2x इनटू x की 2x² और x इनटू 1 से किया x इक्वल टू 528। इसको साइड लेकर आया, ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे को? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्यूटिव लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, अगर एक इंटीजर x लिया, मैंने मान लिया कि x है, तो दूसरा मेरे पास x+1 होगा। ओके, कंसेक्यूटिव y नहीं होगा, x+1 होगा। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया, इसे हमको पहले गाइड कर दिया गया था। तो लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। ओके, अगर x 2 है तो x+1 मतलब 3 हो गया, 2 और 3 कंसेक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया हुआ? 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या दिया हुआ है? 306। तो x मल्टीप्लाई बाय x+1 क्या है? 306। जब इसको सॉल्व किया, x² + x = 306 साइड आया तो माइनस का हो जाएगा, ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ 26 ईयर्स बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आज से 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स उनका प्रोडक्ट ऑफ एज का क्या बन जाएगा? 360। वी नीड टू लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अगर मैंने मान लिया कि रोहन की एज एक्स है, लेट कि एज ऑफ द रोहन क्या है? एक्स है। ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स है। ठीक है, तो उसकी मदर के, वो उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है ना, तो वो क्या होगी? x+26 ईयर्स। ठीक है, तो और उसमें क्या क्या बन जाएगी? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ देयर प्रोडक्ट क्या है? 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज एक्स है, तो आफ्टर 3 ईयर्स x+3 हो जाएगी। सिमिलरली प्रेजेंट एज उसकी मॉम भी x+26 है, तो वो हो जाएगी x+26+3, तो इजिकल टू x+29 ईयर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या दिया कि उनका प्रोडक्ट है 360 उनकी एज का। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाली। ठीक है, तो जब मैं उनकी एज का प्रोडक्ट निकाल लूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x+3 प्रोडक्ट x+29 इजिकल 360, ये मेरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा
इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया और इसका इससे किया, तो मेरे को कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x हो गया, ठीक है, और 87, 360 यहाँ पर प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, मेरे को एक साइड जीरो चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है। ठीक है, जब मैंने उसको सॉल्व किया 360 में 87 माइनस किए तो 273 बचा, तो मेरे को क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू जीरो, ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा पुराना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लगेगा। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस मतलब कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने में, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से दो इक्वेशन सुनना, पहली चीज जब उसकी डिस्टेंस 480 किलोमीटर, मैंने मान लिया स्पीड फाइंड करनी है, तो लेट स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर, तो जब मैं स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालूंगा तो 480 अपॉन एक्स, एक इक्वेशन मेरी ये बनेगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैंने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी, तो मैंने स्पीड को एक्स माना था, तो स्पीड तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 8, और टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो मतलब कि 3 घंटे इसकी स्पीड से ज्यादा लगेगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो जो ओरिजिनल है इसका टाइम टेकन दोनों का डिफरेंस है 3 आवर्स। ठीक है, किस तरीके से समझो, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गिवन डिस्टेंस क्या, 480 किलोमीटर पर आवर, वी नो दैट। टाइम क्या, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड इसका तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिलेगा। तो टाइम टेकन t1 मान लिया मैंने 480 yx। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या थी 480, स्पीड क्या थी x। अच्छा, अब नई स्पीड क्या, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी, तो न्यू स्पीड क्या बनी, x माइनस 8। न्यू टाइम टेकन निकालना है यहां से, डिस्टेंस तो सही है, डिस्टेंस तो वही है, सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन न्यू टाइम x माइनस 8, इस पे क्या लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 480, ठीक है, x माइनस 8, 480 x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3, दोनों का डिफरेंस है, ये क्या है, दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड से, ये तो टाइम पे पहुंचा रही थी, ठीक है, इसकी स्पीड से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसको, ठीक है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो जब मैं इसमें से इसमें मार्क्स में 3 आएगा, तो ये मेरी कुछ ऐसी टाइप की इक्वेशन बनेगी। ओके, कहने का मतलब है एज अ न्यू टाइम टेकन इज ग्रेटर देन द यूजुअल टाइम बाय 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा आया, तो फोर दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, 4 एलसीएम लूंगा, ठीक है, एलसीएम लेके उनको सॉल्व करूंगा, तो एक टाइम 480 बाय 40 कैंसिल आउट हो जाएगा 3840, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 480 का 8 से। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को लास्ट मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और यही मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से, ठीक है, या फिर स्कूल स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी, थैंक यू।